शिवपुरी में लव जिहाद का एक ताज़ा तरीन किस्सा मेडिकल कॉलेज से निकल कर आया है। गुना की एक युवती को तीन युवकों के साथ शिवपुरी के होटल युवराज में रंगे हाथों बजरंग दल शिवपुरी ने पकड़ा है। सबसे अहम पहलू यह है कि सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं और काफ़ी समय से मामला चल रहा था। बजरंग दल की शिकायत पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है और एक महिला एएसआई उल्टा बजरंगियों पर ही अभद्र भाषा में बोलती नजर आई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, ये आज जिला कोतवाली में आज एक विवाद हुआ है, लड़की लड़की को लेकर आए थे, उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता और पुलिस में भी काफ़ी बहस हुई है, क्या पूरा मामला है सर? सर, मैं एक लड़का और लड़की को लेकर आए हैं, उनका कहना ये है कि सर लव जिहाद का मामला है, जबकि इनके स्टेटमेंट लिए गए हैं, दोनों बालिग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका कहना ये है कि क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी और होटल के शेल्टर में हम खड़े हो गए थे जब तक ये पहुँच गए जी, लव जिहाद का मामला नहीं पाया। सर, यहाँ पर जो पुलिस के साथ भी काफ़ी बहस हुई है इन लोगों की? नहीं, पुलिस के साथ बहस नहीं हुई है, एक्चुअली पुलिस ने समझाने का प्रयास किया है कि लव जिहाद का मामला उस कंडीशन में होगा यदि लड़की कुछ कहती है जी, या वो स्टेटमेंट जी, तो बहस वाली बात नहीं है, लेकिन समझाने का प्रयास किया गया है। इनका आरोप है कि ये एक रूम में थे और इन्होंने रूम में से लेकर आए हैं? नहीं, ऐसा ये नहीं कह रहे, बाकी जाँच कर रहे हैं। लड़की के परिजन वगैरह? लड़की के परिजन वगैरह। उपेन जी, आज पूरा विवाद हुआ है यहाँ पर कोतवाली में, क्या पूरा मामला रहा है? पुलिस का कहना है कि वो तो दोनों बालिग थे और किसी होटल में से नहीं पकड़े गए, वो तो शेल्टर में, होटल में से पकड़ा है, युवराज होटल में से हमने खुद ना पकड़ा और रूम में से पकड़ा है, रूम में से निकले हैं वो, तो इसमें वो बताने जब खोला गया तो आपत्तिजनक स्थिति में भी थे वो जी। तो आपने जो आरोप लगाए हैं लव जिहाद वाले, तो कह रहे हैं कि लड़का लड़की कह रहे हैं कि ऐसे कोई मामला नहीं है? भाई साहब, अगर लव जिहाद वाला मामला नहीं होता तो अकेले रूम में होटल लेके कर क्या रहे थे वो लोग? अच्छा, आपको सूचना कैसे लगी थी? हमारी जो विंग रहती है बजरंग दल की, लव जिहाद की जो हमारी टीम है, उस पर हमेशा वर्क करती रहती है और एक महीना से हमको इनकी जानकारी मिल रही थी जी। तो अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? इस मामले में कोई कार्रवाई का आश्वासन एसपी साहब ने दिया है कि उस पर कल तक कार्रवाई होगी जी। और आपके आपके साथ जो झूमा झटकी के आरोप आप लगा रहे थे कि आपके साथ मैडम ने झूमा झटकी की, उस मामले में कोई कार्रवाई कर रही है पुलिस? हाँ, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आज शाम को प्रियंका पारासर जो एसआई हैं उनको शाम को हटा दिया जाएगा। ये लड़का और लड़की रहने वाले कहाँ? अब लड़की के बारे में जानकारी मुझे, लड़का ग्वालियर का रहने वाला है, शादीशुदा लड़का है। और लड़की भी शादीशुदा? लड़की शादीशुदा नहीं है। ये लड़की और लड़के दोनों के मेडिकल, दोनों मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।